हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एडवाइस एक्सप्रेस में। दोस्तों, अब आप ICICI बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट घर बैठे ओपन कर सकते हैं। अब आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। ICICI बैंक में यदि आप अकाउंट आपका रहता है तो आप आसानी से क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड लेना सबसे आसान है ICICI बैंक में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जीरो बैलेंस अकाउंट है। यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज़ द मिनिमम बैलेंस, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट है, यानी कि आपको इसमें बैलेंस मेंटेन करके रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम अप्लाई करेंगे, किस तरह से करते हैं आपको बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई नाउ लिखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गया है अप्लाई नाउ, आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर होगा, यहाँ पर फिलअप करेंगे। ध्यान रखेंगे कि मोबाइल नंबर वही फिलअप करेंगे जो कि आधार कार्ड के साथ लिंक है। चलिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर फिलअप कर दिया। यहाँ पर एक ईमेल आईडी आपको फिलअप करना है तो ईमेल आईडी अपना फिलअप कर लीजिए। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक ईमेल आईडी फिलअप कर दिया। इसके बाद यहाँ पर है पैन नंबर, आपको अपना पैन नंबर फिलअप कर लेना है। चलिए हम पैन नंबर फिलअप कर देते हैं। यहाँ पर हमने पैन नंबर फिलअप कर दिया, इसके बाद क्या करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपके मोबाइल पर एक OTP सेंड किया गया होगा, यहाँ पर OTP फिलअप करेंगे। चलिए हम OTP फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने OTP फिलअप कर दिया है, इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर फिलअप करना है, चलिए हम आधार नंबर फिलअप कर लेते हैं। जो भी आधार नंबर आपका होगा यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर हमने आधार नंबर फिलअप कर दिया है, इसके बाद क्या करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर आपका लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, इसको यहाँ पर फिलअप करना होगा। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने OTP फिलअप कर दिया, इसके बाद क्या करते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको चूज करना है, यदि आप सिंगल हैं तो आप सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम सिंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप करते क्या हैं, जैसे कि प्रोफेशनल में आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, डिपार्टमेंट यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप कोई भी काम नहीं करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉय यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सैलरी या प्रोफेशनल आप जो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है आप सेल्फ एम्प्लॉय में करते क्या है, तो यहाँ पर अपना आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सर्विस है, स्टॉक ब्रोकर, ट्रेडिंग, तो यहाँ पर आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, हम इसी को सेलेक्ट करने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम है, आप इनकम का सोर्स आपका क्या है, तो यहाँ पर देखिए बिजनेस इनकम ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, जैसे ही सेल्फ एम्प्लॉय हमने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर आप पेंशन, एग्रीकल्चर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम इसी को, जैसे यहाँ पर बिजनेस इनकम है, रहने देते हैं। अब एजुकेशन में आप अपने हिसाब से एजुकेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रेजुएशन को। अब यहाँ पर इनकम रेंज है, आपका इनकम कितना है, आप यहाँ पर 5 लाख से ऊपर या फिर 5 से 10 लाख आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर 5 लाख सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर KYC आधार नंबर यहाँ पर आ गया, KYC डॉक्यूमेंट के लिए, तो यहाँ पर आपका जो भी आधार नंबर होगा यहाँ पर शो करता है और आधार में जो भी नाम होगा यहाँ पर दिखाई देता है। चलिए हम इसके आगे करते हैं। अब यहाँ पर नॉमिनी को ऐड करने के लिए, यदि आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नॉमिनी को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे SI would like to nominee आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नॉमिनी को नाम ऐड कर सकते हैं। आप यदि चाहते हैं कि बाद में ऐड करने के लिए नॉमिनी को, तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। चलिए जैसे कि हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, No, I want to continue without nominee यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, यानी कि हम नॉमिनी का नाम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मदर का नेम है, आप यहाँ पर मदर नेम फिलअप करेंगे। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं, हमने मदर का नाम लिख दिया है। इसके बाद क्या करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस होगा यहाँ पे आ जाएगा। चलिए हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिटी है, आपको सिटी का नाम यहाँ पर लिख देना है। चलिए हम लिख देते हैं सिटी, यहाँ आपने सिटी लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर प्लेस सिटी ऑफ बर्थ है, जहाँ भी आपका जन्म हुआ वहाँ पर यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ पर आपको इस पर यस रहने दीजिए, इसको नो मत कीजिएगा। अब यहाँ नीचे है, अब यहाँ पर है आपका कम्युनिकेशन एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि आप यदि घर से बाहर रहते हैं और आपका एड्रेस कहीं और का है और चाहते हैं कि आप उस एड्रेस पर अपना ATM कार्ड, चेकबुक, सारा कुछ, आप जहाँ रहते हैं अभी उस एड्रेस पर आए आपका, तो आप यहाँ पर इसको नो कर सकते हैं और नया एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। और यदि आपका एड्रेस, जो एड्रेस इसमें आपका है आधार कार्ड में जो एड्रेस है, उसमें आप चाहते हैं कि कोई भी बदलाव नहीं करने के लिए, आप चाहते हैं इसी एड्रेस पर, आधार में जो एड्रेस दिया गया है इसी एड्रेस पर आपका ATM कार्ड, चेकबुक आए, तो आप इसको यस रहने दीजिए। जैसे कि मेरा आधार में जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पर अभी हम नहीं रहते हैं, ये एड्रेस गांव का है, तो हम चाहते हैं कि हम नया एड्रेस पर अपना ATM कार्ड, चेकबुक मंगाएं, तो हम यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं, हमने यहाँ पर एड्रेस फिलअप कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड फिलअप कर लेते हैं, यहाँ पर स्टेट है, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए आप जहाँ भी रहते हैं। चलिए हम इसे फिलअप कर लेते हैं। अब यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पर सिटी फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर हमने सिटी फिलअप कर दिया, इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपने जो भी फिलअप किया है पर्सनल डिटेल में आपका यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करके आप इसे एडिट कर सकते हैं, यानी कि आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। चलिए मेरा सब कुछ सही है, हम कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते। अब यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, इसके बाद फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल पर फिर से OTP आएगा, इसको यहाँ पर फिलअप करना होगा। चलिए मेरे पास OTP आ गया है, तो यहाँ पर OTP फिलअप कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पर OTP फिलअप कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर अमाउंट है, आपको अमाउंट यहाँ पर फंड करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप चाहते हैं अभी इसमें अमाउंट जमा करने के लिए, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अमाउंट भी जमा कर सकते हैं। चलिए हम इसको स्किप कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपका अकाउंट ओपन हो चुका है और आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर मिल चुका है और आप यहाँ पर तुरंत ही आप अपना नेट बैंकिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको ब्रांच नेम, यहाँ पर IFSC कोड, सारा कुछ मिल चुका है। अब यहाँ पर है वीडियो KYC, तो आप वीडियो KYC भी कर सकते हैं अपने अकाउंट का और अपने अकाउंट को फुल KYC करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट वीडियो KYC क्लिक करके आप वीडियो KYC तुरंत ही कर सकते हैं। तो वीडियो KYC कैसे करते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में IDFC फर्स्ट बैंक का, साथ ही आपको IDBI बैंक का भी वीडियो KYC करके बताया हुआ है। चलिए हम इसे, आपको जब भी वीडियो KYC आप करेंगे, आप बैंक का जो टाइम होता है सुबह में 10 बजे से लेकर के शाम में 4 बजे तक, उसी टाइम में आपको वीडियो KYC होगा। और शनिवार और रविवार को छोड़ करके बाकी किसी भी दिन आप वीडियो KYC करा सकते हैं। आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म ही डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं PDF के रूप में ये डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र ID भी मिल गया है और यहाँ इंटरनेट बैंकिंग को आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो हम इंटरनेट बैंकिंग किस तरह से स्टार्ट करते हैं आपको अगली वीडियो में बताएंगे। चलिए फिलहाल के लिए इसे हम नोट कर लेते हैं, आपको नोट कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहां पर ICICI बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।